महक। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे, तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी, हो पूरी तुझसे मेरी ये कहानी। मैं नहीं जा सकता ना, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ रहना, हम दोनों की जान खतरे में। प्लीज कुछ मत बोलना। नहीं सुनो, हमें जीना है, मेरा साथ दोगी ना? प्लीज हिम्मत रखो। हाँ नहीं होंगे, जल्दी चलो, इधर देखो, इधर ही छुपे होंगे। चले नहीं सुनो, तुम जाओ। तू चल रहा है मेरे साथ, अकेले नहीं जा रहा। तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूं। तुमने क्या कर रही हो? भागो यार, प्लीज। गोले छू के निकल गए। तो ठीक तो है। मैं सुनो, पंडित जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना। जी पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए सर, मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ। मैं बालक डाल। दहेज भी मिल गया, शादी भी नहीं करनी पड़ी। कहाँ रह गए ये लोग? क्या मैडम, सब जगह ढूंढा, यहाँ तो नहीं है, रास्ते भी सारे बंद हैं। यहाँ से जा तो नहीं सकते वो, क्योंकि उनका फुटप्रिंट भी कहीं नहीं मिला, छुपे होंगे यहीं कहीं। यूज़लेस पीपल। हो सकता है कि वो लोग इतने दूर आए ना, वरना कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता। एक काम करो, उनके स्टेप्स रिट्रेस करो, और जहाँ से स्टेप्स मिसिंग है वहाँ से ढूंढना शुरू करो। एक एक जगह तलाश करो, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। उन दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं निकलने दे सकती। इसी जंगल में उनका शिकार करके ये मैटर क्लोज करूंगी। बंदूक की उसके हाथ में, वरना तुम्हें से धार देती। मैक, तुम ठीक तो हो ना? चलो, गोली जिसने भी चलाई है, उसे टूट के लाओ। जल्दी। नहीं मिलेगी अब आपको। नहीं मिलेगी? मतलब वो एक औरत थी? तुम्हें कैसे पता कि वो एक औरत थी? हाँ? एहसास था। झगड़े में ऐसा लगा कि वो आदमी नहीं, औरत ही थी। उसका मास्क उतारने की कोशिश करी मैंने, लेकिन चूक गई।
लेकिन उसकी गर्दन पे खरोंच जरूर मार दी मैंने। लेकिन कौन हो सकती है औरत जो हमसे इतनी नफरत करती है, जो हमको ट्रैप करके मारना चाहे, कौन हो सकती है वो? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। I won't let them live. पहले भी उन्हें खत्म किया, अब फिर उन्हें खत्म करूंगी। मैं जीऊंगी, शौर्य महक मरेंगे, उनका दी एंड होगा। डैडी जी मुझे छोड़ दीजिए, माँ। अरे भाई, आ और असली लेकर आ। असली। डैडी जी मैं आपकी बेटी हूँ। ले पान दे सुना, पकड़ी। बेटी नहीं है। शराब पे शराब समझी, अरे माथे का कलंक, पूरे समाज में नाक कटवा दी तने मन। माँ, माँ की बच्ची। कोई तेरे किए हुए सारे पाप कड़ी हो दूंगा, कड़ी तना अपने कांधे से ना उठा के बाहर करते फेंक दे, आनूंगा तेरे किसी के खूटे से। अब पिता हूँ मेरे, कैसा कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? दया है आपके दिल में या नहीं? पिता हूँ बेटे, इसलिए ये सब कर सकता हूँ। हमारे घर की इज्जत से बढ़कर कुछ भी, चाहे उसके लिए मुझे तुझे जान से क्यों ना मार देना पड़े। बंद बंद। ना वादा पूरा किया, ना उसे ऑर्डर। मुझे जाना है, बहुत काम है, तू आराम कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत छोरा चुन लिया मारी महक ने? हेलो, थारे घर से फोन। घर से? हेलो, हाँ कौन? चांद है तू, दिल जला सा, मैं अंधेरा, एक तुझे। स्टॉप इट। मॉम आप समझ नहीं रही हैं, ही इज चीटिंग अस। राहुल, एक मिनट, ये लड़की तुम सब लोगों को बेवकूफ बना रही है। इस लड़की में तो क्या पूरे हॉल में भूत तक नहीं है। हुआ इश्क का इकरार, न किया इश्क को इनकार। साहिल और वेदिका के जिंदगी में होगी प्यार की अब एक नई परिभाषा। 5 साल पहले खेले गए एक दाव से बदल चुके हैं रिश्तों के मायने। वेदिका को साहिल की जिंदगी से निकाल कर, साहिल का बच्चा उससे छीन कर खुद सही किए हैं। देखिए आपके आ जाने से का नया अध्याय 17 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। मैंने कितनी बार कहा सबसे कि कोई भी इस आदमी के आसपास नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, सब लोग अपनी मर्जी का कर रहे हैं। मैं अमर ढींगरा पूरे परिवार के सामने ये घोषणा करता हूँ कि आज से तुम मर गई है मेरे लिए डोनी। ऐसी टकराव पैदा कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अबू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कबीर, हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है, दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बस हमें तलाक देकर अपने आप को उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? तलाक चाहती हो ना तुम, हम तुम्हें अभी तलाक देंगे।